नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं शहनाई वादक पंडित विकास बाबूजी से। कल बातचीत का पहला हमने हिस्सा देखा था जिसमें हमने उनसे चैती सुनी थी। आज बातचीत के दूसरे हिस्से में हम सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जो शहनाई वाद्य यंत्र है इस वक्त, उसकी मौजूदा स्थिति कैसी है, कितने लोग बजा रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, ये इस सवाल के जवाब में आप क्या बताना चाहेंगे पंडित जी, बताइए हमें। शहनाई के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अभी तो बहुत शहनाई बजने वाली है क्योंकि काफी लोग अभी कर रहे हैं शहनाई को। तो जैसे कि मैंने बताया था कल कि भाई शहनाई का तो जो खान साहब ने जो दिया, तो अभी तो काफी लोग कर रहे हैं और हर स्टेट में कर रहे हैं। और क्या भारत के बाहर जब आप जाते हैं, आपने भारत के बाहर भी कार्यक्रम किया है, तो क्या भारत के बाहर लोग शहनाई को लेकर उतने अवेयर हैं जितना सितार को लेकर या जितना वॉयलिन को लेकर या जितना किसी और वाद्य यंत्र को लेकर हैं? उसी तरह की अवेयरनेस शहनाई को लेकर भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही जैसे और इंस्ट्रूमेंट को सुना जाता है, ऐसे शहनाई को भी सुना जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और आपसे है, क्योंकि कितना भी कलाकार बड़ा हो जाए और कितना भी ऊंचाइयों को छू ले, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो उसके जहन में हमेशा ताजा रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, भी कल ही बजा के आए हैं यहाँ। कोई अपने अपने आपके संगीत सफर का कोई ऐसा कार्यक्रम जो आप अभी हमसे साझा करना चाहें, जिसकी यादें हमेशा रहती हो, ऐसा लगता हो जैसे कि अभी कल की ही बात है जब मैंने वहां बजाया था, कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर बताइए हमें अपना। कार्यक्रम तो बहुत सारे किए हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में हमने कार्यक्रम किए हैं, लेकिन मुझे सब तक फेस्टिवल में बजाया है मैंने। इसी साल तो मुझे 18 में भी बजाया था मैं सब तक, लेकिन वहां की यादें थोड़े मुझे अच्छा लगा थोड़ा उधर बजा के। और कौन सी वो तारीफ है, कौन से वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आप लोग जब कार्यक्रम करते हैं कई बार सामने की पंक्तियों में बहुत बड़े बड़े गुरु, बहुत बड़े बड़े पंडित, बहुत बड़े बड़े उस्ताद बैठे रहते हैं, तो वो कौन से बड़े गुरुओं का, बड़े कलाकारों का आशीर्वाद है जो हमेशा साथ रहता है? ऐसा लगता है कि यार ये अर्जित किया है मैंने अपनी अपनी शहनाई, अपनी संगीत से ये अर्जित किया है, ये पाया है मैंने। बस हमारे जो गुणीजन हैं, जो यहाँ के दिग्गज लोग हैं हिंदुस्तान में जितने भी हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको वो ऐसे जीवित रहे, अमर रहे, तो ये थोड़ा संगीत बच जाए, थोड़ा उसका माहौल बना रहता है। जो बुजुर्ग लोग कर रहे हैं तो उनका रहना जरूरी है। विकास जी, पिछले कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हमने दरबारी सुना था और आपसे सुनी थी चैती, आज आप हमको क्या सुनाने जा रहे हैं? आज मैं आपको राग चारों कैसी मैं छोटा सा प्रस्तुति दूं।
क्या बात है। आप ये समझने वाली बात है, जब हम लोग, मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स को समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि शहनाई को बिस्मिल्लाह खान साहब शादी ब्याह के फंक्शन से निकालकर शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़े मुकाम तक लेकर आए। आप देखें, विकास जी ने दो राग जो बताए, राग दरबारी और राग चारुकेशी, दोनों ही इतने इतने मीठे, इतने सुरीले और इतने पवित्र किस्म के राग हैं। राग तो सारे ही पवित्र हैं यूं तो, और शहनाई से उसको बजाना, तो ये सोच कि शहनाई में भी शास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है और शास्त्रीय संगीत बजता है और लोग उसको सुनेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे, संभवतः ये जो इसका जो योगदान दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, वो योगदान अप्रतिम है और यही वजह है कि उनको इतना प्यार और इतना सम्मान मिला। विकास जी, मैं आपसे और एक चीज ये समझना चाहूंगा कि बनारस जब हम कहते हैं तो क्या कुछ दिमाग में ताजा हो जाता है आपके? बनारस का नाम सुनते ही दिमाग एकदम पवित्र और वो हो जाता है संगीत से। बनारस का नाम आते ही बस झूमने, अंदर से उमंग पैदा हो जाती है। ऐसा लगता होगा कि मतलब वो कबीर चौरा पहुंच जाए और वहां के बारे में तो कहा ही जाता है कि अगर कि ईंटा भी उठा के कोई फेंकेगा तो जिसके घर में जाके गिरेगा वहां कोई ना कोई पद्मश्री पद्म भूषण रहता होगा। बनारस का नाम तो एक अपने आप में आप जानते हैं। तो अब जब आप एक शहनाई वादक के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भारत से बाहर, भारत के कार्यक्रमों का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, भारत के बाहर जब जाके आप कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम से पहले जब लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या बताते हैं उनको इस वाद्य यंत्र के बारे में, इसके इसके इतिहास के बारे में, क्या कुछ आपसे कन्वर्सेशन होता है, लोगों की जिज्ञासा क्या रहती है ज्यादा? जिज्ञासा तो यही है कि इंस्ट्रूमेंट जो शहनाई है, पहली बात तो बाहर के जो ऑडियंस है वो एक मतलब जैसे कि क्लासिकल को बड़ा ध्यान से सुनते हैं उन लोग, है ना। उसके बाद जैसे कि इसके बारे में, शहनाई के बारे में बताना, जैसे कि नहीं पता उनको, पता होता है कि शहनाई जैसे कि पूरी एक है, तो उनको जैसे अलग अलग पार्ट में करके बताना, भाई शहनाई इतने पार्ट में होती है, इसके चार पार्ट हैं, तो चार पार्ट अलग अलग कर करके उनको दिखाना। तो इस तरीके हमको भी बताइए ना जरा, हमको भी बताइए कि वो चार पार्ट जो आप बता रहे हैं। ये है, ये पहला पत्ती है, दूसरा ये नली है, ये दो पार्ट हो गए हैं, इसको ऐसे ये जोड़ करके फिर ये इसको शहनाई में नली के साथ फिट किया जाता है, फिर ये जो अपना नीचे लगाई प्याला लगे, ये चार पार्ट हो गए इसके। अच्छा विकास जी, मुझे एक चीज और बताइए अभी आप, इसीलिए मैंने पूछा और पूछते पूछते ये सवाल मेरे दिमाग में आया। अब लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, उसमें कुछ नई चीजें जोड़ते हैं, घटाते हैं, बांसुरी के साथ भी आपने देखा है, सितार के साथ हमने देखा है, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने तो मोहन वीणा ही बना दिया, उनके बेटे ने नई वीणा बनाई अपनी एक। आपको लगता है कि शहनाई में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है या आपको लगता है कि नहीं मुकम्मल साज है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? वो तो उपज के ऊपर है, आपकी कैसी उपज है उसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट तो किसी चीज पे भी हो सकता है, तो शहनाई में उसमें भी कोशिश करते हैं कुछ नया करने की, कुछ नया निकल आए, नया हो जाए। अच्छा, आप जब अपने कार्यक्रमों के लिए जाते हैं देश विदेश में तो निश्चित तौर पर फरमाइशें आती होंगी, फरमाइशें किस तरह की आती हैं, लोग शहनाई से क्या सुनना चाहते हैं, प्योर एकदम क्लासिकल हार्डकोर क्लासिकल राग सुनना चाहते हैं या सेमी क्लासिकल ज्यादा सुनना चाहते हैं, आपसे कैसी फरमाइशें होती है लोगों की? रागों का ज्यादा है, रागों का चलन, जैसे क्लासिकल कॉन्सर्ट रागी और अपना सेमी क्लासिकल है वो चलता है। और एक इस देश के जो सीनियर शहनाई वादकों में आपका नाम शुमार है, आप कैसे देखते हैं शहनाई की स्थिति? आपको लगता है कि कहीं कोई जिस तरह का इंटरेस्ट दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में है उस तरह का इंटरेस्ट शहनाई में कम है, या आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है और जितने लोग साधना कर रहे हैं उतने लोग भी रहें तो अच्छा वाद्य यंत्र रहेगा? वाद्य तो ऐसा है कि जितना बड़े उतना कम है, लेकिन ये शहनाई का वाद्य ऐसा है कि पारिवारिक जो पारिवारिक लोग होते हैं वो ही कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
ऐसा क्यों, इसकी क्या कोई खास वजह है? एक तो इसमें दम फूंक का काम है, मतलब ताकत का काम है। कोई नए सीखने आए और उन्होंने चार दिन बजाया, पांचवे दिन वो उनको लगा के नहीं ये तो बड़ा टफ है, वो छठे दिन आए नहीं, तो ये है। अब पारिवारिक जो लोग होते हैं उनको तो करना ही है, वो फिर करना है तो सोचना नहीं है। तो आपने अच्छी बात कही, मतलब आपके कहने का जो आशय था उसको मैं थोड़ा सा अगर विस्तार दूं तो फूंक का काम है और बहुत बहुत सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है इसके लिए, अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो। आप सहमत हैं इस बात से कि अगर अच्छी सेहत नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं है, आप तो वो बजाना, मतलब बांसुरी या शहनाई इस तरह के वाद्य यंत्रों को बजाना बहुत मुश्किल काम है। इसका कनेक्शन फिजिकल से भी है और नहीं भी है। अच्छा, दोनों ही चीज। फिजिकल से अगर कहेंगे तो ये है कि इसमें थोड़ा सा दम फूक लगता है, और नहीं कहेंगे तो ये है कि एक अपना कि नहीं हमें करना है, एक होता है ना कि भाई नहीं संगीत करना है, कैसे भी करना है, हमारी सेहत सही है नहीं हमें तो करना है, वो चीज है। तो विकास जी, हम इंटरव्यू को समाप्त करें उससे पहले एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि हमें कुछ एक और चलते चलते कोई एक और चीज सुनाइए शहनाई से, और उसके बाद फिर हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। मैं आपको भैरवी धुन से, छोटी सी भैरवी धुन से खत्म विराम दूंगा।
क्या बात है। तो बहुत ही शानदार बातचीत रही, और जैसा आपने हमने कहा था कि हम दरबारी से भी सुना, हमने चैती भी सुनी, हमने चारुकेशी सुना और भैरवी की धुन भी सुनी। विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और समय निकाला आपने, और जैसा मैंने कल इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि संयोग भी है और सौभाग्य भी, तो हमारे लिए तो सौभाग्य है कि आप जैसे गुणीजन से हमारी बातचीत हुई, हमें इतना सुंदर शास्त्रीय राग सुनने को मिला, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी कि वो जो बिस्मिल्ला खान साहब का जो खाटीपन था, जो उनकी तहजीब थी, उनका जो प्यार था, और एकदम जैसा आपने कहा था कि फकीरी थी उनकी, वो सब कुछ कायम रहे आपके संगीत में भी, ऐसी हमारी शुभकामना है, और खूब आप अपने संगीत की महक पूरी दुनिया में फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।